अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम आशु मलिक है, मैं गोताखोर पटियाला पंजाब से। जितने भी मेरे भाई जो फेसबुक पेज के ऊपर हमारे जुड़े हुए हैं और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जुड़े हैं, जो आशु मलिक गोताखोर यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जुड़े हुए हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद मेरे भाइयों इतना प्यार देने के लिए। जो आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते हो, इतना प्यार देते हो, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया मेरे भाइयों। जितने भी मेरे भाई है, चाहे वो पाकिस्तान से है, चाहे वो हिंदुस्तान से है, चाहे वो नेपाल से है, भूटान से है, श्रीलंका से है, या सऊदी अरब से है, अमेरिका, कनाडा, जर्मन, कहीं से भी है वो मेरा भाई, चाहे ऑस्ट्रेलिया से है, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे वीडियो को प्यार दे रहे हैं। और मुझे मालूम है आप मुझे इंसानियत के नाते देखते हो कि आपको लगता है कि ये जो बंदा है कुछ अच्छा और नेक काम कर रहा है, तो आप इसीलिए हमारे को प्यार करते हो, हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते हो। तो दोस्तों इसी तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं आप तक सच्चाई पहुँचाने की, जो नहर के ऊपर घट रहा है, जैसे जो डेड बॉडियाँ मिलती हैं या कोई बेचारे दुखी परिवार मिलते हैं, जो और भी नहरों के ऊपर कई चीज़ें घटती हैं, जैसे कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, नहर के अंदर गिर जाता है बेचारा, हादसे कारण कोई सुसाइड कर लेता है, वो जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते हैं कि लोग क्यों सुसाइड कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम चलते चलते वीडियो के माध्यम से सुसाइड के जो है आंकड़े वो भी बताएंगे, प्लस पूरी नहरों की जानकारियाँ भी देंगे, कोशिश करेंगे ड्रोन के जरिए भी हम आपको नहरें दिखाने की। ये जो नहरें हम ड्रोन के जरिए भी आपको आज दिखाएंगे, अगर कोई डेड बॉडी मिलती है उसके बारे में बताएंगे, कुछ भी हमें नहरों के ऊपर मिलता है हम उसकी पूरी जानकारी आप तक पूरी ईमानदारी से बताएंगे। तो चलिए हम अपने सफर को शुरू करते हैं, बाकी बातें वीडियो के अंत में करेंगे। तो दोस्तों इस टाइम हम चल रहे हैं SYL के किनारे, SYL नहर, ये मलोर हेड है, यहाँ से अम्बाला शुरू हो जाता है और इसके बाद हम अब कुरुक्षेत्र तक जाएंगे, डल्ले मादर तक, और ये साथ ही हमारे देखिए SYL नहर चल रही है। और SYL कहाँ से शुरू होती है, कैसे निकलती है, वो मैं अब आपको दिखाऊंगा। जो पीछे आप पानी देख रहे हो मेरे, ये पानी यहाँ से निकल रहा है, देखो यहाँ से पानी निकलता है SYL का, और ये पानी भाखड़ा मेन लाइन नहर से निकल के आ रहा है, उसके बाद यहाँ इकट्ठा होता है, फिर ये थोड़ा थोड़ा पानी आगे चल के और आगे के लिए ये जा रहा है पानी, कुरुक्षेत्र जाके फिर दोबारा मिल जाते हैं, बटेड़ा हेड है कुरुक्षेत्र में, वहाँ जाके फिर दोबारा मिल जाता है, वहाँ से फिर ये चार नहरें बनती हैं इसकी, एक सांगी जाती है रोहतक के लिए, कैथल के लिए निकल जाती है, और एक करनाल के लिए। अब मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ वो झाल पड़ती है, जो गाटर बने हुए हैं, ये देखो कितने ज़बरदस्ती गाटर बने हुए हैं यहाँ पर, देखो, और यहाँ से आगे फिर ये नहर निकल रही है। मेन SYL का जो शुरुआत है हरियाणा के अंदर वो इस जगह से होती है, देखो ये वो जगह है, तो अब हमारा सारा ये जंगलाती एरिया का सफ़र रहेगा, देखते हैं अब हमें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, सफ़र हमारा जारी है। बार बार अपील होती है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहना, अब देखते हैं आगे का सफ़र में क्या मिलता है क्या नहीं। तो दोस्तों ये है SYL का पुल, और आगे रास्ता थोड़ा सा खराब है, इस करके मैं SYL नहर छोड़ के नरवाड़ा प्राचली की नहर पर चढ़ना होगा, दूसरी भाखड़ा मेन लाइन पर, यहाँ से चढ़ेंगे अब हम इधर से। ये SYL नहर हमने छोड़ दी है और ये आ गई भाखड़ा मेन लाइन नहर, इसके ऊपर हम यहाँ से चलेंगे, थोड़ी दूर के बाद फिर हमारा जलसुरी हेड जो मेन पुल है वो आ जाएगा, उसके बाद फिर डल्ले माजरा आएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहना, तो चलिए हम अपने सफ़र को जारी रखते हैं।
कूड़ा करकट तो बड़ा डर बड़ी देखो बड़ी है या नहीं। आ जा देखते हैं यहाँ कुछ है या नहीं है। बिल्ली बिल्ली से पड़े हैं। इधर से देखता हूँ कुछ है या नहीं है। ये क्या पड़ा है, बोरी है क्या है? बोरी स्मेल बड़ी आ रही है ना। तो दिखा दे बेटा ये दोनों नहरें, फिर यहाँ आके देखो इस तरह सिर्फ एक बीच में दीवार बन रही है। और सफ़र हमारा अब आगे का भी जारी है, परली तरफ चलते हैं एक बार। 3 दिन पहले एक गड़बड़ी देखी थी, उसको देखते हैं वहाँ है या कोई उठा के ले गया, और जो काली पैंट वाला उसको देखते हैं। देख लो चलता हुआ रोड है, सारा कुछ है यहाँ पे, यहाँ इतनी डेड बॉडियाँ पड़ी थी पर कोई सूचना देने वाला नहीं है। पर ही तो चल के देख दो डेड बॉडी पड़ी है कि नहीं, वहाँ एक बार देखते हैं। और देखो सब नारियल नूरियल यहाँ से नहरों से निकाल निकाल के चलिए। चलो बेटा चलते हैं, चलो आगे। टांगरी नदी के हम ना बैक साइड पे आ गए हैं, अभी दूसरा हिस्सा है। और अक्सर हम हमेशा इधर से आते रहते हैं, देखते हैं हम यहाँ पे दोनों रास्ते होते हैं। और जो हमारा लास्ट होता है वो डल्ले माते होता है। अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे कोई डेड बॉडी है नहीं है, क्योंकि ना 3 दिन पहले यहाँ में जो हमने वीडियो डाला था काली पैंट वाली, वो डेड बॉडी पड़ी थी। और मैंने आपसे अपील भी की थी इस वीडियो को शेयर करना ताकि इसकी पहचान हो जाए। तो आज देखते हैं कि उसको उठा के ले गया क्या, अभी भी वो डेड बॉडी यहीं पड़ी हुई सड़ रही है। चलो देखते हैं, दिखाओ बेटा उधर है नहीं है। तो अभी फिलहाल तौर पे दोस्तों वो डेड बॉडी यहाँ है नहीं, और अभी हमारा सफ़र जो आगे का जारी है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं वहाँ शायद कुछ डल्ले माजरे ना मिले। हो सकता है वो डेड बॉडी यहाँ से दिखा दी और डल्ले माजरे पहुँच गई हो, क्योंकि ना यहाँ से दिखाने वाले ही बहुत बंदे हैं। चलो आगे चलते हैं, बाकी बातें वीडियो कैसे करेंगे। साफ सफाई कर दी यहाँ पर है। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस टाइम डल्ले माजरे। अरे यहाँ देखते हैं, पहले शुरुआत करते हैं उस साइड से। अक्सर यहाँ डेड बॉडियाँ आती रहती हैं दोस्तों, तो देखते हैं वहाँ इस तरफ है या नहीं कुछ। हाँ देखो रहा। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि जो पिछली डेड बॉडी थी, उसको हमारे अंदर ना एक बहुत बड़ी कमी है समाज के अंदर। डेड बॉडियों को ऐसे समझते थे जानवर हैं, इनको दिखाए जाओ दिखाए जाओ दिखाए जाओ। देखो पंजाब से बॉडी को दिखाते दिखाते हरियाणा तक ले आए, हरियाणा के अंदर भी 3 जिले क्रॉस करवा दिए। अब पूरा पटियाला राजपुरा, उसके बाद में ये अम्बाला जिला पूरा क्रॉस हो गया। अब यहाँ कुरुक्षेत्र आके अड़ गई। देखो आज मैं दिखाता हूँ डेड बॉडी। देखो यहाँ ये सफाई कर रखी है, जो गोता हो रहे हैं बेचारे हमारे, ये सब नारियल जो आप लोग डालते हो नहरों के अंदर, इसको निकाल के उन्होंने बाहर डाल दिए हैं। आज मैं सबसे पहले आपको डेड बॉडी दिखाना चाहूँगा। यहाँ बेटा ये देखो, ये बड़ी डेड बॉडी दिखा बेटा, दिखा दे ये रही। देखो ये डेड बॉडी यहाँ आ गई, और ऊपर दिखा कैमरा बेटा, उधर से दिखाते हुए ला रहे इसको हरियाणा से। तो चलिए दोस्तों इसको तो बाद में छेड़ेंगे देखेंगे, पहले एक बार उधर देखते हैं कुछ उधर तो नहीं कोई डेड बॉडी वगैरह दिखा रहा है, वहाँ चल के देखते हैं पहले।
अभी यहाँ देखते हैं यहाँ कुछ है या नहीं है, लेकिन अक्सर यहाँ पे भी बहुत सारी डेड बॉडी आती रहती है। देखो मरे हुए जानवर तो काफ़ी पड़े हैं, पूरे नारियल कूड़ा करकट काफ़ी पड़ा हुआ है, पर अब ये नहीं कह सकते इसके नीचे कोई डेड बॉडी हो, क्योंकि ना ये सारा कूड़ा जमा हुआ है। अब ये नहीं कह सकते इसके नीचे अंदर कोई डेड बॉडी फंस रही हो, इसके नीचे वहाँ आ रही है। ये जब सफाई सफूई होती है तब जाके डेड बॉडियाँ बाहर निकलती हैं, और ये निकलती तब है जब हम यहाँ पर सफाई करते हैं। अभी फिलहाल ऊपर से तो कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि कूड़ा करकट है बहुत ज़्यादा। उधर देखते पर इधर एक बार आ जाओ साइड देखते हैं। तो अब इस साइड देखते हैं, यहाँ तो नहीं कोई डेड बॉडी वगैरह है, क्योंकि ना पिछली बार जब आए थे तीन डेड बॉडियाँ पड़ी थी, मुझे तीसरी डेड बॉडी जो थी वो यहाँ पड़ी हुई थी। आज यहाँ देखते हैं, आ जाओ बेटा। दिक्कत हमें कहाँ आती है, जब ये कूड़ा करकट जम जाता है ना, उसके नीचे देखने में बड़ी दिक्कत परेशानी होती है। आज उधर देखते हैं सर, अभी फिलहाल तौर पर जो हमें मिली है ये एक ही डेड बॉडी है, और वो भी वो डेड बॉडी है जिसका मैंने तीन दिन पहले वीडियो डाला था अम्बाले से। अब वो डेड बॉडी देखो दिखा दिखा के कुरुक्षेत्र तक ले आए हैं। ये कुरुक्षेत्र का है एरिया, हरियाणा ठोल गांव है, डल्ले माजरा साहिब पर एक अंडरग्राउंड, यहाँ वो डेड बॉडी है। देखो ये बड़ी, देखो क्या हाल हो रहा है यहाँ, बड़ी बड़ी सड़ने लग रही है। आ जाए बेटा, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भाई इस तरह आज इंसान की कदर हो रही है। कोई सूचना तो पुलिस को क्या देने से रहा है कि पुलिस को कोई सूचना दे दे या समझा दे कि यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है, बस दिखाने वाला सिस्टम चल रहा है। अब इसको दिखा के ना करनाल तक पूछा दी, करनाल से पानीपत, पानीपत सोनीपत, फिर ये दिल्ली तक डेड बॉडी दिखा दी, कि वहाँ जाल लगा हुआ है, हैदरपुर प्लांट के पास ना जाल लगा हुआ है, तो वहाँ इन डेड बॉडी को निकालते हैं। लेकिन यहाँ देखो सारा समाज फिरता है, लोग आते हैं जाते हैं, सबको पता होता है कि यहाँ डेड बॉडियाँ पड़ी है, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं करता कोई एक बार भाई सूचना दे दे कि यहाँ डेड बॉडियाँ पड़ी हुई है। बस अपने मकसद से आते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि चलता हुआ एक रोड है। तो चलिए दोस्तों, बाकी बातें वीडियो के अंत में करेंगे, हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। आ जाओ। हाँ भाई, आसिम मलिक के नाम से है, आसिम मलिक गुप्ता के नाम से है। इसी के ऊपर बनाना भाई, हम लोग जागरूक करते हैं। अरे दिखाइए भाई, भाई देखा एक करो नहर के पास ना भाई, आप ही बोल रहे थे भाई, ठीक है ना, वो देख मेरे रहे बंदा पड़ा नहीं, भाई लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो भाई को, सब्सक्राइब भी कर दियो भाई का चैनल, अगर सब नवी नवी अपडेट मिलती है। बताओ ठीक है, तारा भाई तो कितने 500 के हमारे दोनों तरफ है भाई मेरे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा था, कैसे एक डेड बॉडी को पंजाब से दिखाते दिखाते हरियाणा तक पहुंचा दिया, यहाँ से दिखाते दिखाते राजस्थान या दिल्ली तक पहुंचा दिया जाएगा, किस तरह हम निर्दयी हो गए हैं, कैसे हम आंखें मोड़ लेते हैं, भूल जाते हैं कि ये भी एक इंसान है, किस तरह इसका परिवार इसे ढूंढ रहा होगा। हमारे लिए मानते हैं ये मर चुका है, कोई मायने नहीं रखता है, समाज के लिए कोई मायने रखता है,
लेकिन किसी के लिए तो मायने रखता होगा जो उसको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जगह जगह बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पर ढूंढ रहा होगा, पंडितों के पास जा रहा होगा, मौलवियों के पास जा रहा होगा, ग्रंथियों के पास जा रहा होगा, तांत्रिकों के पास घूम रहे होंगे वो लोग किसका कहीं से पता लग जाए, और ये बेचारा अपने अंतिम संस्कार के लिए तरस रहा है और यहाँ पड़ा पड़ा सड़ रहा है। अब इसका ये नहीं पता ये हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई है कौन है, ये किस मजहब से बिलोंग रखता है, लेकिन आज इंसानियत वाकई में दम तोड़ रही है, इसको दिखा दिखा के कहाँ तक ले आया जा रहा है। ये वही शख्स है जिसकी मैंने अभी 3 दिन पहले वीडियो डाली थी, जिसका कद 5 फुट 8 इंच के करीब है, डेड बॉडी लमसम 1 महीना पुरानी है, 55 से लेकर 65 साल की उम्र है इसकी, सब काले रंग की पैंट और सफ़ेद रंग का इसने नाड़े वाला कच्छा डाला हुआ है। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते ताकि मेरे इस भाई की पहचान हो जाए। देखो यहाँ से हर आदमी हर वर्ग हर समाज का लोग निकल रहे हैं, ये रास्ते जो है नहरों के जो पटड़ियाँ एक दूसरे गाँव को जोड़ती हैं, लोग इनको देखते हैं पर अनदेखा करके निकल जाते हैं। तो मेरी अपील है आपसे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ताकि इस मेरे भाई की पहचान हो जाए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर एक नई कहानी एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अलविदा। एक लड़का नौजवान जो रात के टाइम तकरीबन 3 बजे नहर के अंदर छलांग मार के अपनी साइकिल को खड़ा करते हैं।